कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी में जनवादी महिला मोर्चा हनुमानगढ़ की सैकड़ों सदस्यों ने कृषि कानूनों को काले कानून बताते हुए तीनों कानून वापस लेने की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकालकर भगत सिंह चौक पर पहुंची व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व जनवादी महिला मोर्चा की प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में व मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही काले कानून वापस नहीं लिए तो आंदोलन उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक कृषि कानून वापस लेती है व इनकी मांगें पूरी करती है। शुरू से आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, ये पैदल मार्च का कार्यक्रम, हम महिलाएं 6 से 7 किलोमीटर के बीच में किसानों के मसीहा, जन संघर्षों के योद्धा कॉमरेड शोपत सिंह के गांव से मक्कासर से लेके हम शहीद आजम भगत सिंह चौक तक पहुंची हैं। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है, ये किसान आंदोलन जो देश के पैमाने पे चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है, उस आंदोलन के समर्थन में आज का हमारा ये प्रोग्राम था। हम महिलाओं की भी ये मांग है कि इस कृषि काले कानून जो देश के प्रधानमंत्री जी का कृषि काले कानून लेके आए हैं, उन तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। अगर रद्द नहीं किया जाता है, जब तक किसान आंदोलन चलेगा, देश में चलेगा, देश का अन्नदाता जब सड़क पे है, तो हम महिलाएं भी, अगर आंदोलन बड़े पैमाने पे बढ़ता है तो हम महिलाएं भी, जनवादी महिला समिति राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो जाके शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम भी अपना धरना लगाएंगे। ये हमारा 4 जनवरी जी बताइए। तो आज हनुमानगढ़ जिले की जनवादी महिला समिति मक्कासर से लेकर यहाँ भगत सिंह चौक तक किसानों के समर्थन में पैदल यात्रा निकाली है और आगे भी 3 तारीख का हमने तय कर रखा है, जब तक मोदी तीनों कानून वापस नहीं लेगा तो हम जनवादी महिला समिति दिल्ली पे जाके बैठेंगे और 21 से लेकर 24 तारीख तक भी हम दिसंबर तक वहाँ